नमस्कार मैं विक्रम सिंह आज हम आई पी एस सी का पार्ट टू देख रहे हैं बेसिक क्लास मैंने पिछले क्लास में आपको दे दिए हैं आज पार्ट टू कल पार्ट टू होना था नहीं हो पाया तबीयत ठीक नहीं थी मेरी तो मैंने कल की क्लास ना दे करके वो क्लास आज दे रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि आज आप बहुत कुछ सीख जाएंगे आई में तो सब तैयार हैं उससे पहले एक बात है कुछ चीजें मैं बता दूं आपको अगर आप पहले दिन की क्लास देख चुके होंगे ना आई यू पी सी का अगर नहीं देखे होगे ना तो दोनों की बात कर दूं अगर देख चुके होंगे तो आज की क्लास एकदम क्लियर समझ में आने वाली है और एडवांस सीखेंगे उससे और अगर पहली क्लास नहीं देखे होंगे तो आप जरूर उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास में आइएगा नहीं तो फिर यह क्लास तकलीफ दे सकता है तो चलिए ये इस क्लास में हम देखने वाले हैं पार्ट टू आई तो जहाँ तक मैं कुछ बच्चों का वेट कर लेता हूँ जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तब तो तक थोड़ी सी गुड इवनिंग कर लेते हैं कौन कौन है सुमित अमित भारत विपिन मस्कान अजय विनय विपिन अखिल मोनू और विपिन मोहित पवन पा, यस पवन नितेश अक्षय अमन खुशी बहुत सारे स्टूडेंट अभी आ चुके हैं और भी स्टूडेंट आने वाले हैं तो मैं आप सबको क्या बोलने वाला था आप सबको आई यू का पिछला क्लास यानी पहला क्लास आपको समझ में आया कि नहीं ये मुझे जरूर बताओ यदि हाँ तो यस लिखो नहीं तो उस वीडियो को दोबारा देखो चलिए हाँ तो यस लिखो नहीं तो उस वीडियो को दोबारा देखो और दोबारा नहीं देखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि अगर वो क्लास नहीं समझ में आया तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई दूसरे तरीके से उसको और अच्छे से सीख पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से सिखाया गया है थोड़े पाउस थोड़े प्ले करके सीखेंगे कॉपी और पेन उठा लीजिए ताकि हम अच्छे से सिखा सकें कुछ एक चीज़ें पिछले क्लास से रिलेट होकर के मैं आपको पूछूंगा कि इसका नाम क्या है तो उसे पहले बताएं ताकि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकें थोड़ी नई चीज़ों को सीख सकें यस yes, बहुत बड़ी बात है और जिन बच्चों ने नो कहा है उनको मैं बोलूंगा दोबारा उस वीडियो को देख लो आप 100 परसेंट सीख जाओगे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उससे ज्यादा कहने लायक मेरे पास ही नहीं है तो चलिए आज की क्लास में बात है कि अगर आई यू सीखना चाहते तो कुछ क्वेश्चन का जवाब दो चलो इसका नाम बताओ सी एच थ्री सी एच सी एच टू नहीं सी थ्री और सी थ्री इसका नाम बताओ दूसरा चीज़ दे रहा हूँ सिंपल चीजें दूंगा ज़्यादा टफ नहीं दूंगा ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको इसका नाम बताओ सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री तीसरी चीजें हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री इसका नाम बताओ फिर इसी तरह से और भी नाम दूंगा जल्दी जल्दी बताते जाइए यदि इसका नाम बता पाते हैं तो आपने जरूर उस वीडियो को देखा होगा पहला वीडियो और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं अंकित कुमार तो आपको मैं कहूंगा कि वो देख लो तब आगे बढ़ोगे और उस पिछले क्लास में नहीं समझ पाए होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई टीचर आपको सिखा भी पा रहा होगा सीधा सीधा मैं चैलेंज करता हूं ठीक है और वो आपको चैलेंज है क्योंकि अगर सीखना है तो सही तरीका का पालन करना पड़ेगा तो चलिए बोलिए इसका नाम क्या होगा चलिए पहले का नाम बताओ क्या नाम होना चाहिए क्या ब्यूटेशन लिख दिए किसी ने क्या ब्यूटेशन है वो मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन लिख दिए हैं। क्या सही है वो जी जल्दी बोलिए वन मिथाइल प्रोपेन लिखे क्या ये सही है टू मिथाइल प्रोपेन ठीक और क्या लिखे हैं मिथाइल प्रोपीन प्रोपेन नहीं वन मिथाइल प्रोपेन कहां से हो जाएगा जी अब कुछ बच्चों ने राइट लिखना शुरू कर दिए हैं अब यह है पहला बहुत क्या लिखे हो थोड़ा सा आप लोगों को बातचीत कर लेते हैं क्योंकि तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे एक बच्चे ने लिखा है टू मेथाइल प्रोपेन या प्रोपेन टू ऑल ब्यूट एन ठीक है तीनों का नाम लिख दिया बच्चे ने विपिन ने विपिन विश्वकर्मा ने ठीक है और क्या है नाम इसका बताओ जल्दी से सर आवाज नहीं आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है दोबारा आप चालू करके देखो आवाज आ रहा है ठीक अब आप आपको कैसे बताऊंगा है ना ब्यूटेन यस चलिए ठीक है आपने सब ने अपना अपना तरह से नाम दिए हैं और हेलो सर गरिमा सिंह बोल रही हैं सबको हेलो बेटा हाय हेलो करने में काम समय निकल जाएगा पढ़ाई में हम ध्यान दें चलो सब ने अपना अपना नाम चेक कर लें कि क्या नाम आप दिए हो जी सुनील कुमार हाँ जी चलो इसका नाम क्या होगा इसके लिए हमें क्या सिस्टम अपनाना पड़ता है इसमें आप देखो कि एक चेन बन रहा है चाहे इधर से बोलो या इधर से बोलो या इधर से बोलो एक मेन चेन बनेगा और मेन चेन में नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री तो टू मेथाइल टू मेथाइल और मेन चेन का नाम क्या हो गया प्रोपेन बिल्कुल आसान है बिल्कुल आसान है फिर इसका नाम क्या हो जाएगा ये है वन टू थ्री एक चेन है तीन में एक चेन है दूसरे पर ऑल है तो नाम हो जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड एन है और होगा टू ऑल इसमें आते हैं तो नाम क्या होगा लंबी चेन है एक दो तीन चार कार्बन की चेन है और इस चार कार्बन की चेन में हम ये देखेंगे कि दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है एक डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है और ओ एच भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें से फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ता है वो है इधर से नंबरिंग होगा वन टू थ्री फोर तो देखो क्या नाम होगा चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूट डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे इन कहां पर है तीन पर है तो थ्री इन और इसका नाम हो जाएगा टू पर है ओ एच के लिए ऑल लिखते हैं तो टू ऑल तो अब देखो कितने बच्चों का राइट हुआ जितने बच्चों का राइट हुआ आप लिख सकते हो यस yes, लिख सकते हो जिनका रॉन्ग हुआ वो नो लिख सकते हो ताकि हमें भी पता रहे कितने बच्चों का राइट हुआ कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ अब सवाल है कि हमें सीखना है और कुछ नई बातों को जितने बच्चों का राइट हुआ वो आगे बढ़ेंगे जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो पिछली क्लास जरूर देखेंगे तब आप कर पाएंगे और पहला क्लास पहला पार्ट आपको उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए अगर ये आपका रॉन्ग हो गया तो बिल्कुल पीछे जाके जरूर देखिएगा नहीं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे आज की क्लास समझ ही नहीं आएगा आपको आगे समझने के लिए उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि सीखना है चलिए अब आपको बताता हूं कुछ और चीजें हैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं जैसे आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है OH के लिए तो ये इसके लिए क्या होता है ये एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है ये बात हो चुकी है और इसके लिए इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे बॉन्ड ने सॉरी इस तरह के कंपाउंड का जिसका नाम जिसमें फंक्शन ग्रुप ओवेच होता है उसका नामकरण कैसे करेंगे एक तो होगा एल्क का नाम लिखेंगे फिर बॉन्ड का नाम लिखेंगे नहीं बॉन्ड नेम लिखेंगे ये लीजिए और फिर इसमें लास्ट में सफिक्स लगाएंगे ओएल, सफिक्स लगाएंगे ओएल, ये सफिक्स है यानी कि पश्च्य लग्न है अब नामकरण जैसे कर रहे हो जिसमें ओवेच OH है ये जैसे है तो ये नाम हो गया एल्क तीन कार्बन है तो प्रोप हो गया और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया और इसके लिए लगा दिए ऑल यह प्रोपेल हो गया जैसे कि अभी थे, ये पढ़ चुके हो आप ठीक है एसिड के लिए क्या होगा यह सीओ एच होगा और ये होगा सी एच थ्री अच्छा इसके लिए बता दूं नामकरण का सिस्टम क्या है एल का, का नाम लिखेंगे फिर बॉन्ड का नाम लिखेंगे फिर किसका नाम लिखेंगे ओइक एसिड लिखेंगे लास्ट में ओइक एसिड लगाना है सफिक्स नाम क्या हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ का नाम ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन और लगाएंगे ओइक एसिड ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है ठीक है इसी तरीके को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते जाते हैं आपसे बनते जाएगा सी एच डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सी डबल देखो यहां पर भी मैं लगा देता हूं चलो डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच अगर मान लीजिए मैंने एक एच हटा दिया यहां का सी एच लिखूंगा इसकी जगह मैं लिखूंगा ये सी एच हो गया और ये सी लगा दिया और इस जगह पे मैंने लगा दिया सी एच थ्री तो नाम क्या होगा मेन चेन तो ये हो गया ये मेन चेन हो गया ये साइड चेन हो गया साइड चेन में क्या होगा एक कार्बन का तो मिथाइल लिखेंगे नंबरिंग यही होगा फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन है तो वो कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन होगा तो फर्स्ट सेकेंड हां लेकिन यह बात याद रखना कि ये कार्बन चेन के साथ जरूर जुड़ा होना चाहिए अन्यथा कार्बन कई ऐसी चीजें होती जैसे साइनाइड में साइनाइड में कार्बन से जुड़ा होता है लेकिन आइसोसाइनाइड में कार्बन अलग होता है ये ध्यान रखिएगा तो चले ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तो पांच कार्बन की लंबी चेन है ये मिथाइल है तो थ्री मिथाइल नाम क्या होगा बेटा थ्री मिथाइल इसका नाम होगा थ्री मिथाइल और तीसरे मिथाइल पर है आप देख रहे हो तीसरे कार्बन पर मिथाइल है और क्या देख रहे हो मेन चेन का नाम लिख रहे हो पांच कार्बन का नाम है सिस्टम वही रहेगा एल्क बॉन्ड नेम एल्क कितने कार्बन पांच का तो पांच के लिए लिखेंगे पेंट बॉन्ड नेम क्या बॉन्ड नेम है इन डबल बॉन्ड का नाम इन होता है ई एन ई होता है लेकिन वो कहां पर है दूसरे और चौथे पर है तो हम लिखेंगे टू और कॉमा फोर डाई इन दो बार आता है तो डाई इन हो जाता है फिर उसके बाद इसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड ओइक एसिड इस तरह से नामकरण होगा टू मिथाइल पेंट टू फोर डाई इन ओइक एसिड बहुत सारे बच्चों ने नाम लिखा होगा कहीं पर भी छोटी सी भी गलती हो रहा है बेटा तो समझना है कि आपको सीखना है समझना है और भी बहुत कुछ सीखना होगा देखो एक बच्चे ने लिखा है पेंट टू इन ये है पुष्पेंद्र अभी सीखना बाकी है बेटा आपको बहुत सारी चीज इसलिए कंटिन्यू में दो बार तीन बार चार बार पांच बार उसी उसी वीडियो पर काम करो आप एक दिन ऐसा आएगा कि दो ही वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा जहां पे गलती हुई वो सब सुधर जाएगा आपका बस करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान याद रखना इस बात को तो चलते हैं थोड़ा सा और अब मैं बता दूं आपको कुछ और चीजें आपको दे दूं ये अगर फंक्शन ग्रुप ये लगा हो तो क्या करेंगे इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड के लिए आप कैसे नामकरण करोगे यह भी आपको समझा दूं। इसके लिए सफिक्स होता है सफिक्स मतलब पश्च लग्न मतलब एल्क का, का नाम लिखने के बाद बॉन्ड नाम लिखोगे उसके बाद बॉन्ड नेम के बाद लिखोगे सफिक्स में इसके लिए ओवेल क्लोराइड अब इसका नाम आसानी से दे पाओगे तो इसको लिखा होगा क्लोराइड ठीक है अब देखो क्या नाम होगा एक दो तीन चार और मैं यहां पर डबल अबाउंड लगा देता हूं यहां पर सीओ सी एल लिख देता हूं सीओ सी एल फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है ये कार्बन पहला कार्बन होगा उसके बाद लंबी चेन ले लो जहां तक कार्बन जाता है चेन में टू थ्री फोर चार कार्बन की चेन है चार कार्बन की चेन को एल्क में क्या बोलेंगे बेटा पिछले क्लास बढ़ा दिए ना ध्यान रखना कहीं पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूट सिंक डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं ए एन ई और कहाँ पर है दूसरे पर है तो डैश टू ई एन फिर इसके लिए लगाएंगे ओ एल है क्लोराइड तो पहले ज़ पर है तो लिखने के लिए जरूरत नहीं है नंबर की तो ये हो गया ओ एल क्लोराइड इसी तरह से नामकरण होता है कुछ नई नई चीजें आती जाएंगी उसका नामकरण किस तरह से करते जाएंगे वो मैं आपको बताते जा रहा हूं इसी तरह से ये हो सी एच ओ अच्छा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बता देता हूँ C डबल बॉन्ड O सी यह है अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लगाऊं तो यहां पर हो जाएगा इसको ऐसे लिख सकते हो और याद रखना ये डबल बॉन्ड कौन नहीं होती ना ये डबल बॉन्ड का मेंशन नहीं होती नामकरण में नामकरण में कार्बन कार्बन के बीच में मतलब आपको मैं दिखाता हूं एक और एग्जाम्पल देकर के इसमें देखो ध्यान से ये लीजिए क्या होगा नामकरण में अगर एग्जाम्पल पे जाते हैं कुछ और एग्जाम्पल पे चलो मैं दूसरी चीज एग्जाम्पल पर दे रहा हूं यहां पर लिख रहा हूं इसका नाम बताइएगा सी एच थ्री सी ओ तो मैं इसको स्ट्रक्चर में लिख दूं सी ओ सी एल थ्री इसका नाम क्या होगा बताओ बहुत आसान है इसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी से चलो बेटा गौरव गौरव कुमार मेहनत करोगे तो होगा चलो नो नो लिखने से नहीं होगा यस एस लिखने से होगा नो आदमी हमेशा नो नो हो जाता है यस करने वाला यस एस हो जाता है यस चलिए कितने कार्बन है बताओ यहां से स्टार्ट होगा ये कार्बन है वन टू दो कार्बन है दो कार्बन है और इस कार तो क्या होगा दो कार्बन के लिए लिखेंगे एल्क का नाम हो जाएगा ईथ सिंगल बॉन्ड है देखो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड नहीं है सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है ए एन ई तो एन और इसके लिए लगाएंगे एल क्लोराइड इस तरह से बहुत सारे जो फंक्शन ग्रुप है एक एक करके बताते जा रहा हूं मैं आपको उसके बारे में कैसे नामकरण करना है आप जरूर नोट करते जाइएगा नोट करोगे तभी आगे होगा है ना चलिए फर्स्ट फर्स्ट वीडियो जो लिखा हुआ उसको देखेंगे रोहित कुमार ठीक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है चले खेल नहीं है एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं है ना ध्यान रखना और जो जो कॉपी और पेन लेके कितने बच्चे बैठे हैं जल्दी बताओ कॉपी और पेन लेके कितने बच्चे बैठे हैं ये क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए है जी नाम बताते जाएंगे ना यह है तो इसको पता इस तरह के यौगिक को बोला जाता है एल हाइट क्या बोला जाएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं ध्यान दो जिसमें क्या होता है सी एच ओ होता है फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है एल हाइट कहा जाता है एल हाइट कहा जाता है दूसरी बात इसका सफिक्स क्या होगा सफिक्स होगा अल अल एल और नाम में कैसे लिखेंगे नामकरण कैसे होगा नोमिन कैसा होगा नेमिंग कैसे होगा नेमिंग होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस प्लस ए एल अब बताओ इसका नाम तो बताओ चलो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ इसका नाम क्या होगा अब जिस बच्चे को मेथ ईद प्रोब्यूट पेंट नहीं पता होगा एल्क नहीं पता होगा बॉन्ड नेम नहीं पता होगा अब इसके बाद क्या करेगा अब हर दिन तो यार पहला दिन के क्लास नहीं पढ़ाया जा सकता हर दिन तो जीरो लेवल नहीं पढ़ाया जा सकता थोड़ा सा तो एडवांस होना पड़ेगा तो थोड़ी एडवांस क्लास है भाई आज की बता दूं मैं आपको और थोड़े एडवांस से पहले का पढ़ना है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया पार्ट वन ये पार्ट टू है आज की क्लास पार्ट टू है ना आज आप पढ़ रहे हो पार्ट टू पार्ट टू और पार्ट टू को सीख जब तक पार्ट वन नहीं आएगा पार्ट टू नहीं पढ़ पाएंगे तो याद रखिएगा जितने बच्चे सुनील कुमार नो दिग्विजय नो नो ऐसे नो कौन बोल रहा पता है जिसको ये नहीं पता है तो पार्ट वन नहीं पता है तो पार्ट वन का वीडियो देख लो बेटा है ना इसका नाम कौन बताएगा चलिए गुड्डू सिंह कैसे लिखोगे नाम बिल्कुल सिंपल है एक दो तीन चार चार कार्बन है चार कार्बन को क्या बोलोगे बोलो एल्क में क्या बोलोगे मेथ प्रोप ब्यूट तो बोलोगे ब्यूट ये हो गया ब्यूट सीधा सा मतलब है इसके बाद किसका नाम लिखोगे इसके बाद लिखोगे बॉन्ड नेम बॉन्ड नेम तीन टाइप का होता है एन इन एन इन आइन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एन तो यहां पर कौन सा बॉन्ड है यहां पर स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड है इसको नहीं देखते हैं इसको मेंशन नहीं करते हैं इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है ये इसमें इसमें दो कार्बन के बीच में दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है सिंगल के लिए क्या लिखते हैं एन ए एन ई -E. तो यहां पर लिख देंगे एन ई लास्ट वाले ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि ए एल लिख रहे हैं तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे ए एल ए एल इस तरह से बनाना है भाई कोई बड़ी चीज है क्या बताओ पहले सफेद फिर ग्रीन फिर येलो यही ये तो करना है क्या मतलब ब्यूटेनल यानी कि एल्क बॉन्ड अल एल्क बॉन्ड अल और कुछ नहीं है तो क्या हुआ इसका नाम ब्यूटेन अल हां जी इसका नाम बताएगा कोई आप में से सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सी एच ओ कोई बताएगा आप में से इसका नाम चलो अब जो इसका नाम बता दिया मान के चलो उसने सीख गया है पूरा चलो अब सबसे पहली चीज है कि ये फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह है ये भी क्रियात्मक समूह है बेटा फंक्शनल ग्रुप दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं एक ही कंपाउंड में तब नामकरण कैसे करेंगे उसके लिए फिर थर्ड लेवल चलना पड़ेगा फर्स्ट लेवल हो गया सेकेंड लेवल आज क्लास थर्ड लेवल पर जाना पड़ेगा तो ऐसा स्टेप्स होते हैं तो अगर जिस लेवल पे जा सकते हो हम उसी लेवल की बात करते हैं और जिस बच्चे को बहुत ही क्लियर जाना है और ज्यादा तो नंबर है फोन करो कोर्स खरीदो तो बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा देता है ना शिक्षक को थोड़ी सी गुरु दक्षिणा देता है ना वो बच्चा उसको कभी शिक्षा में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो तो पढ़ने वाला बच्चा है ना वो तो सीखने वाला बच्चा है ना वो तो एकलव्य जैसा बच्चा है ना जो गुरु दक्षिणा करके ही मैं पढ़ूंगा जिद करता है ऐसा बच्चा होना चाहिए ऐसा इंसान होना चाहिए लोगों को क्या करना है भैया जैसा बेटा ये बोल देने से नहीं चलता काम ना मैं गरीब हूं गरीब होने से नहीं होता गरीब होना मैं हूं बोलने से नहीं होता है गरीब कोई नहीं है ध्यान रखना जो बोलता है वही होता है तो गरीब होने से नहीं होता अपने आसपास देखो अगर आप पांच रुपये का आइसक्रीम खाते हो ना तो मतलब तुम रही सो क्योंकि पांच रुपये का आइसक्रीम खा सकते हो तो बेहतर से बेहतर क्लास ले सकते हो और याद रखना बेटा फ्री में तो बहुत सारे स्कूल फ्री में बहुत सारे ट्यूशन भी चल जाएंगे लेकिन थोड़े पैसे दे दोगे ना तो वो कोचिंग भी चमक जाएगा वो ट्यूशन चमक जाएगा वो टीचर चमक जाएंगे जब वो टीचर अच्छा करने लगेगा दिल खुश हो जाएगा तो और ज्यादा के लिए मेहनत करेगा ध्यान रखो यही चीज याद रखना हर जगह पे जिस मंदिर में दक्षिणा नहीं आता वो मंदिर छोटा दिखता है जिस मंदिर में दक्षिणा आता है वो मंदिर बड़ा दिखता है और वो चैरिटी करने लगता है लोगों को खाना खिलाता है बहुत सारे काम करते हैं इस बात पर हमेशा ध्यान देना तो ऐसे मंदिर बनाओ जहाँ पर तुम थोड़ा दक्षिणा भी दे सको तो इसलिए बोलते हैं इस नंबर पर कॉल करो जिन लोगों को आगे बढ़ना है तो चलिए इसका नाम बता दिए जब तक क्या नाम है इसका बता दीजिए आप क्या नाम है इसका तो ये है कार्बन है पहला कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है ना उस कार्बन से ही स्टार्ट करो काउंटिंग करना तो वन टू थ्री फोर फाइव अब फाइव हो गया पांच कार्बन को क्या बोलते हैं पांच कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट पेंट बोलते हैं ठीक उसके बाद मैं हाइफन लगा देता हूं डैश लगा देता हूं अब नाम किसका लिखें

चार और पांच वाले कार्बन के बीच में है यानी डबल बॉन्ड जो है ई एन ई जो है चौथे कार्बन पर चार और पांच के बीच में है ना पांच में, चार में है चार और पांच के बीच में तो चार में है तो चार कहां पे है आ, डबल बॉन्ड कहां पे चौथे पर है तो डबल बॉन्ड का नाम क्या है ई एन ई ई एन ई तो ये होगा चार ई एन अच्छा ई पर लास्ट वाले ई को आप बिल्कुल नॉर्मली हटा ही सकते हो ना ध्यान रखो तो ई को हटा दिया हमने फिर बातें करें क्यों हटता है मैंने पिछले क्लास में बताया था अब बात है उसका ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना जरूरी है ट्रिपल बॉन्ड का है दूसरे और तीसरे के बीच में मतलब ये है दूसरे पर तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है वो होता है वाई एनी दूसरे पर है टू लिखा वाई एनी ट्रिपल बॉन्ड का नाम हो गया अब किसका नाम लिखना है अल का तो ये हो गया अल पहले नंबर पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती नंबर वन करके ये है नाम इसका भाई साहब यही है नाम इसका कितने बच्चों ने राइट किया होगा अपने आप को चेक कर लो थोड़ी सी भी गलती की होगी तो वो गलत माना जाता है आई यू पी एस में बहुत बड़ी बात है जैसे एक बच्चे ने पेंटेनॉल और टू इन थ्री वैसे वो, वो रख सब रॉन्ग माना जाता है ये बात ध्यान रखो रॉन्ग करना नहीं है थोड़ी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है अब एक और दे दो यार ये एल, एल्टी हाइट का नामकरण है ना ऐसे और दूसरी चीजों का नामकरण करके देखते हैं चलो एक एक करके बताते जा रहा हूं अब एम का नामकरण करा देता हूं मैं आपको चलो देखो सीओ एन एच टू जुड़ा हो ऐसे कंपाउंड को, को एमाइड कहते हैं ऐसे कंपाउंड को एमाइड कहते हैं क्या कहते हैं एमाइड कहते हैं तो एमाइड इसके लिए सफिक्स क्या है सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाला नाम क्या है एमाइड है क्या है एमाइड ही है इसका नाम क्या है एमाइड ही है यस एमाइड है अब इसका नामकरण क्या है नॉमिन क्या होगा नामकरण क्या है इसका नामकरण है एल्क का नाम लिखोगे फिर बॉन्ड का नाम लिखोगे फिर क्या लिखोगे एम लगा दोगे यार सफिक्स में क्या कुछ थोड़ी है कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है क्या लगा दोगे एम लगा दोगे क्या लगा दोगे एम लगा दोगे ठीक तब इन सब के नाम में क्या हुआ एम आइट एम आइट एम आइट ओके एम आइट अब नाम में क्या करने का बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है एम क्या लिखा हुआ है एम आइट चलिए नाम लिखूं एक है सी एच थ्री सी ओ एन एच टू अब इसका नाम क्या लिखोगे कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना अब समझ लो क्या नाम होगा कौन बता सकता है पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू बताओ क्या नाम होगा स्ट्रक्चर में बनाऊं तो क्या बनाऊंगा C पर तीन H जुड़ा हुआ है C पर डबल बॉन्ड O है C पर N है डबल वो डबल एन एच एच टू जबरदस्त यार चलो बहुत सारे बच्चों ने नाम लिख दिए हैं यस yes, कुणाल सब कुछ एमाइड चलिए जिंक राजपूत क्या बताएं जैन राजपूत राजपूत जी लाजवाब हाँ अंशु चलो बता बेटा क्या होगा इसका नाम क्या होगा कौन बताएगा बिल्कुल आसान है हां जी मैं एक बार और देख लू क्या क्या लिख रहे हो जी किसका नाम लिखेंगे बॉन्ड पहले एल्क का नाम लिखेंगे फिर बॉन्ड के नाम लिखेंगे बॉन्ड किस टाइप का है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है किस टाइप का बॉन्ड है बताओ बॉन्ड किस टाइप का है जल्दी बोलो यहां पर ये देखो यही है सेम है तो कार्बन यहां से स्टार्ट होगा तो वन ठीक है क्या होगा वन दो कार्बन है तो बोलेंगे दो कार्बन को ईथ में एल में बोलेंगे ईथ बॉन्ड किस टाइप का है दोनों के बीच में सिंगल सिंगल है तो ए एन ई लगा दोगे भैया जी ए एन ई तो ई e लास्ट में छोड़ देना क्योंकि ए आ रहा है ना वॉवेल आता है बॉन्ड नेम के बाद अगर वॉवेल आता है तो लास्ट वाले ई e को छोड़ देना पड़ता है तो सिंगल बॉन्ड है एन हो गया और उसके बाद लास्ट में नाम हो जाएगा अमाइट और इस तरह से हो गया इसका नाम इथेनामाइट क्या नाम हुआ इथेन इसका नाम हुआ इथेन वेरी गुड ठीक है डबल बॉन्ड नहीं है भाई साहब सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है कितने बार बोलू मैं कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखा जाता है कार्बन के बीच के ऐसे नहीं कि डबल बॉन्ड ओ है तो इस बॉन्ड को इस बॉन्ड को कभी मत देखेंगे नाम में वो उसका नाम तो हो गया ना इसका पूरा नाम ही हो गया एमाइट तो इस नाम से कोई लेना देना नहीं है इसके चेन में कौन सा नाम है वो देखना है इस चेन में कौन सा बॉन्ड है वो चेक करना है ध्यान रखेंगे चेन में कौन सा बॉन्ड है वही चेक करना है पूरा का पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है ठीक इस तरह से कुछ मैं तो सोच रहा था कि ऐसे कंपाउंड का नामकरण कराऊं जिसमें कुछ ज्यादा खतरे नजर आते हैं ठीक है ऐसे ठीक है सी ओ ओ एच सी एच ओ है ना सी एन है ना इस तरह से ओ एच बहुत सारी चीजें भाई साहब ठीक है बहुत सारी चीजें हैं ऐसे ठीक है ओ सी एच थ्री इस तरह का कंपाउंड अगर कहीं दिख गया तो इसका नाम कर कैसे करोगे ये सिखाने वाला था लेकिन तब सीख पाओगे ना भाई जब पहला क्लास आप ठीक से पढ़ोगे ठीक से प्रैक्टिस करोगे दूसरे क्लास में आओगे ठीक से प्रैक्टिस करोगे तब जाके सीख पाओगे ना तो ये सेकंड स्टेप की क्लास को आप अच्छे से पहले स्टेप को कर लो अच्छे से फिर सेकंड स्टेप को करना ये वाले आज की क्लास को और अच्छे से दोनों में अच्छी प्रैक्टिस करो मैं पूरी चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है तो चलिए हम अब देखते हैं एमाइड हो गया एमाइड के बाद आपको बता दें एमाइड के बाद आपको मैं ये बताता हूं सी एन स्ट्रक्चर हो गया c ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है साइनाइट साइनाइट कंपाउंड यानी कि एल्केन नाइट्राइल अब इसका नामकरण का सिस्टम क्या है वो बताते सफिक्स तो, के बारे में बताता हूं मैं आपको सफिक्स हम इसमें लगाएंगे यानी कि पश्च लग्न हिंदी में बोलते हैं पश्च लग्न प्रत्यय ये कहा जाता है तो यह सब बहुत सारे नाम होते हैं यानी कि लास्ट में लगने वाला नाम तो क्या लास्ट में लगेगा नाइट्राइल क्या लगेगा नाइट्राइल लगेगा इसके लास्ट में क्या लगेगा नाइट्राइल लगेगा ठीक है ध्यान दीजिएगा जल्दी बोलो चलिए हो गया अब क्या करना है नाइट्राइल लगेगा तो ना, नाम नामिन क्या होगा नामकरण क्या होगा इसमें होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस नाइट्राइल बिल्कुल आसान है क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एन नाम क्या होगा जल्दी बता दो सीख गए फिर बिल्कुल सीख गए फिर इसके बाद सब कुछ लिखा हुआ है बस नाम लिख दो चलो जल्दी से क्या नाम होगा इसका हा जी क्या नाम होगा साइनो प्रिफिक्स होगा बेटा वो वही है सफिक्स क्या होगा नाम प्रिफिक्स क्या होगा नाम वो थोड़ी सी बाद में जब जब दो या दो से अधिक टाइप का जब फंक्शनल ग्रुप आते हैं ना तो प्रिफिक्स का भी यूज करेंगे तो मैं वो नहीं बता रहा हूं अभी ना क्योंकि वो तब बताऊंगा जब उसके यूज कराऊंगा आपको ताकि आसानी से सिखा सकूं मुझे भी बताए कब क्या बताना है आपको ठीक है तो चलो बताओ क्या होगा जल्दी बोलो क्या होगा जी बोलो हाँ जी जल्दी बोलिए जी हां जी क्या क्या नहीं स्पेलिंग में गलती करोगे तो कोई दुनिया का कोई कुछ नहीं कर सकता तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोप प्रोप सिंगल बॉन्ड है इसमें ए एन ई और इसके लिए लगाएंगे नाइट्राइल आपने जहां पर एक की जगह ई e लगाया मतलब इस जगह पे डबल बॉन्ड दिखाई देता है भाई कुछ बच्चों ने लिखा है इसलिए बोल रहा हूं आप गलती करोगे हम नहीं जानते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई अभी बताया था डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई बार बार बोल रहे हैं आपको तो ये हो गया प्रोप एन अब इस ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि आप कॉन्सोनेंट आ रहा है सिर्फ वोवेल आने पर व्यंजक आने पर आप हटाएंगे लेकिन अगर व्यंजक व्यंजक आने पर नहीं हटाएंगे सिर्फ स्वर आने पर हटाएंगे है ना ये है कॉन्सोनेंट आने पर नहीं हटाएंगे स्वर आने पर हटाएंगे तो ये भी स्वर हो जाएगा वो भी स्वर हो जाएगा दो बार स्वर आना उचित नहीं है तो क्या हुआ ये प्रोपेन फिर लिखेंगे नाइट्राइल ठीक इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा चलो आगे चलते हैं कुछ और चीजों के बता देता हूं मैं आपको ताकि आपको पता रहे ये सी ओ लिख सकते हो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर लिख सकते हो आर सी ओ आर लिख सकते हो सी ओ ऐसा लिख सकते हो सी ओ ये है कीटोन नामकरण में आएगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस ओ एन ई ओन क्या लगेगा सफिक्स है ओन क्या लगेगा सफिक्स है ओन अब चलो इसका नाम लिखो सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री पहला एग्जाम्पल दूसरे है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री चलिए आसान है बस थोड़ा सा हमने दिखाने के लिए अलग अलग रूपों में हम दिखाते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो चलो नाम बताएंगे इसका ठीक है आर्मी जी संतोषी मून गर्ल चलो जल्दी बताओ बेटा ओन लगता है ओन सफिक्स ओन है सफिक्स ओन है यहीं पे लिख दिया मैं बार बार लिखता था सफिक्स लिखता था ये सफिक्स लास्ट में लगने वाले को सफिक्स सफिक्स कहते हैं है ओन एक बच्चे ने पूछा है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं पढ़ाई करो मन लगने लगेगा पढ़ाई नहीं करोगे कहां से मन लगने लगेगा इधर उधर दिमाग विचलित रहेगा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा पढ़ाई करोगे तब मन लगाओगे तब आगे सक्सेस होने का मन होगा तो अच्छा सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती बेटा बहुत मेहनत से मिलती है तो आप और हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखा करो संडे वनडे को छुट्टी रखा करो तो तो भी मन लगेगा बहुत सारी चीजें हैं बात करेंगे किसी दिन हम आपके लिए वीडियो लगाएंगे ठीक है तो चलिए हाँ जी जल्दी कितने बच्चे बना रहे हैं हाँ जी जल्दी करें हो गया बन गया सबका हां जी तो पहले वाले का नाम क्या होगा वन टू थ्री वन टू थ्री नाम क्या होगा प्रोप तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोप सीधा जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ सी सी ओ सी यही तो है क्या वन टू थ्री सीधे जुड़े हुए हैं तीन कार्बन की एक लंबी चेन है ना? तो इसका नाम हो गया प्रोप फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड है देख लो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को नहीं देखना है क्रियात्मक समूह के बॉन्ड को नहीं देखना है आपको पहले बता रहा हूं आपको कई बार बता दिया तो इसके लिए होगा ए एन और ओ वोवेल है यानी कि e ई हटाना पड़ेगा तो ओन तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ओन या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और ये दूसरे पर है सीओ कीटोन तो ओन जो है दूसरे पर है इसमें क्या होगा वन टू थ्री वन टू थ्री तो ये हो गया वन टू थ्री फोर नाम हो जाएगा ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन और टू पर है ओन ये भी सही है ये दूसरे का ऐसे नामकरण करना है भाई ठीक है ओ एन ई लगाना है बेटा, ओ एन ई लगाना है क्या लगाना है ओ एन ई लगाना है ठीक है इसके बाद अच्छा कितने बच्चों का एग्जाम चल रहा है हाफ ईयरली एग्जाम या जो भी एग्जाम हो सेशनल एग्जाम हो कितने बच्चों का चल रहा है थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से ठीक है हा जी हाँ, चले अब मैं बोलूंगा थोड़ा आगे चलते हैं चलो ये कीटोन से रिलेटेड हो गया ना और भी कुछ एकद बनाता हूं भाई सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आपको समझा दूं थोड़ा सा तो अच्छा हो जाएगा एक और कर देते हैं चलिए NH2 बताओ NH2 को क्या कहते हैं किस तरह का कंपाउंड कहते हैं जिसमें NH2 होता है उसे किस तरह का कंपाउंड कहा जाता है इसका सफिक्स क्या है किसी को पता हो तो जरूर बताएं और नामकरण का सिस्टम क्या होगा वो भी बताएं चलो फिर लास्ट में एक और बताऊंगा ईथर का क्या फंक्शन ग्रुप होगा वो भी आप बताइएगा तो चलो देखते हैं है ना चलिए बताइए ऑलवेज यूर्स लिखा है इस बच्चे को मैं बोलूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका रीजन है कि आप फर्स्ट डे आए हैं हमारी क्लास में इसके पहले वाले क्लास जो है वो मैंने दे दिए हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है फर्स्ट पार्ट का उस फर्स्ट पार्ट को देखोगे ये भी समझ में आएगा वो भी समझ में आएगा ये भी समझ में आएगा कॉपी में जरूर लिखोगे तब समझ में आएगा सिर्फ ऐसे चैटिंग कर करके कौन सीखता है यार चैटिंग कर करके कौन सीखता है यार बोलो हां जी ये एमाइन है बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि ये एमाइन है ठीक है इसका नाम करने का सिस्टम क्या होगा एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस एमाइन यानी कि इसका सफिक्स कौन है एमाइन है चलिए यह बात क्लियर हो गया अब इसका नाम क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू एन एच टू नाम क्या होगा सीधा सा मतलब इधर से नजदीक पड़ रहा है एक और दे देता हूं मैं यहां पे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच सी एच थ्री एन एच टू दो टो मैं समझा देता हूं आपको ठीक है इसका नाम क्या होगा ये मेन फंक्शन ग्रुप है ये सब सब्सिडरी है तो यहां से यहां तक का चेन है तो वन जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन ये देखो ये इस चेन में जिधर से नजदीक पड़ता हो इधर से नजदीक पड़ रहा है तो वन टू थ्री फोर फोर कार्बन को बोलेंगे ब्यूट सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड कहां पे टू पर है तो हमने टू डबल बॉन्ड का नाम लिखा ई एन ई को हटा देंगे क्योंकि ए आ रहा है ठीक अब क्या करेंगे ये कहां है इसका नाम क्या होगा इसका नाम है एम आइन पहले पर है तो वन एम आइन लिख लो यहां पे क्या होगा बोलो यहां पर देखो ये फंक्शन ग्रुप है और ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है अब चेन तो ये है इस चेन में इस कार्बन को देखो ये कार्बन किधर से नजदीक पड़ेगा इधर से ही नजदीक पड़ेगा तो नाम क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव अब मां नाम हो गया पेंट फिर डबल बाउंड का नाम क्या होगा ए या -E. मतलब तीन पर है इन थ्री ई एन फिर ये एम होगा टू पर है टू एम अब देखते हैं कितने बच्चों ने राइड किया है वो देख लेते हैं चलो हाँ जी तो ब्यू टू एन ए माइन कहां पे नहीं हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है और इसका नाम ठीक है हमारी वीडियो देखने से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा और बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप एडवांस जा सकते हैं लेकिन सवाल ये होता है कि आप किस हद तक देखना चाहते हैं पूरे गहराई में देखना चाहते हैं बहुत गहराई तक जाना चाहते हैं तो मेरे अपलोड वीडियोस हैं उनको जाके देखिए चैप्टर नंबर ट्वेल्व हमारा क्लास इलेवंथ का चैप्टर नंबर ट्वेल्व क्या बोला मैंने क्लास इलेवंथ का चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर है ये इसमें नामकरण के पूरे स्टेप्स दिए गए हैं बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हल्के समझाया गया है आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखेंगे बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखेंगे तो यदि आप सीखना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखो तो मैं ये कहूंगा अभी मैंने अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में बताया एक फंक्शनल ग्रुप कोई बच्चा बताएगा क्या ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है वे बच्चा बताएगा इथर का फंक्शन ग्रुप क्या है चलो बताओ बेटा जल्दी से जी जल्दी से बताओगे हाँ बता जल्दी बताओ हाँ जी बिल्कुल अपलोड वीडियो देखो कुछ बच्चों ने कहा देखते हैं बिल्कुल देखो बहुत जरूरी है बताओ बेस्ट क्लास ओके थैंक यू सोडियम हाँ जी सोडियम नाम है बच्चे का जी ईथर का ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या है कौन बताएगा यस yes, सबसे पहले बताया राहुल कुमार ने जी राहुल कुमार ने सबसे पहले बताया जल चलो ईथर का ग्रुप होता है o, और इसको हम लिख सकते हैं या यानी कि दो प्रकार का हुआ दोनों आर समान भी हो सकता है दोनों आर अलग हो सकता है मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं सी एच थ्री ओ सी एच थ्री एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड की तरफ चलूं तो होगा सी एच थ्री ओ सी टू एच फाइव नामकरण कैसे करेंगे उसे समझे बिल्कुल सिंपल सा इनके नामकरण का सिस्टम है एल्क ऑक्सी हमने एल्क पर ऑक्सी लगाया एल्क ऑक्सी फिर लिखते हैं एल्क एन एक सिस्टम ये है इस तरह से समझे आप इसको एल्क मतलब हमने इसका पहले स्थान लिखेंगे पोजीशन लिखेंगे फिर ये मेन चेन है ये मेन चेन के साथ आ गया और मेन चेन के नाम का सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा एल्क प्लस एल्क प्लस बॉन्ड नेम बस और कुछ नहीं है और इसके लिए क्या होगा स्थान लिखने के बाद एल्क लगाओगे फिर लगा दोगे ऑक्सी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पर ध्यान से समझोगे ये एक चेन को मेन चेन बड़ा चेन जो लिखेगा ना इसमें देखो एक कार्बन का चेन है इधर खत्म हो रहा है एक कार्बन का चेन इधर से खत्म हो रहा है ऐसा नहीं कि एक दो कर दोगे या एक दो तीन कर दोगे ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल बेटा कोई नियम रटने की जरूरत नहीं है बस सिस्टम को समझना जरूरी है नियम रटने से नहीं सिस्टम को समझना जरूरी है कि कैसे करेंगे तो कैसे करेंगे देखो पहले तो एक मेन चेन चुन लेना है ये इसको चुन लेना है तो मेन चेन कौन सा होगा जो बड़ा होगा उसके साथ ऑक्सीजन नहीं जोड़ेंगे तो एक के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना और एक के साथ ऑक्सीजन नहीं जोड़ना जिसके साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे वो छोटा होना चाहिए और जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं जोड़ते हैं वो बड़ा होना चाहिए बड़ा मतलब ज्यादा कार्बन वाला छोटे वाले के साथ जब जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एल्क प्लस ऑक्सी एल्क में एक कार्बन मेथ और लगा दोगे ऑक्सी मेथॉक्सी हो गया पहले कार्बन में तो वन नंबर स्थान देने की जरूरत नहीं है यहां पर देखो इसमें क्या होगा नाम ये बड़ा है और इसमें एक ही कार्बन है एक कार्बन को मेथ बोलेंगे और लगा देंगे एन मीथेन तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बोलो इसका नाम फिर बताता हूं ना दो चार एग्जाम्पल बताऊंगा क्लियर हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन मिथॉक्सी मीथेन अब चलो इसका नाम बताओ अब एक एक करके बताते जाऊंगा वही वही करना आप एक काम करो मुख्य चेन का चुनाव कर लो चलो मुख्य चयन कौन सा होगा जो बड़ा होगा मुख्य चयन वही होगा जो बड़ा होगा ठीक है ध्यान रखना मुख्य चयन वो होगा जो बड़ा होगा ठीक मुख्य चयन वो होगा जो बड़ा होगा हाँ जी और उसका नाम बाद में ही लिखना है ना ध्यान रखना तो मुख्य चयन कौन सा हो गया ये मुख्य चयन हो गया उसके बाद जो छूट गया वो छूट कौन से गया यानी छोटे के साथ ऑक्सीजन को रखना है छोटे के साथ ऑक्सीजन को रखना है छोटे के साथ ऑक्सीजन रखेंगे छोटे के साथ छोटा ग्रुप है छोटा कार्बन चेन है ऑक्सीजन रख दिया छोटा है ऑक्सीजन रख दिया नाम क्या हो जाएगा एक कार्बन का है ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या होगा ऑक्सी बस लगाना, है। पर ये क्या होगा दो कार्बन है दो कार्बन का क्या नाम होगा दो कार्बन का नाम क्या होगा इथ सिंगल बॉन्ड एन इथेन तो क्या नाम होगा मिथॉक्सी इथेन अब इसका नाम बताओ चलो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच और सी एच इधर हो गया सी एच थ्री इधर हो गया सी एच थ्री इधर हो गया ओ और इधर हो गया सी टू एच फाइव चलो कैसे करोगे क्या करोगे मैंने एक बार बोला था छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देना है चलो यही करो आप ठीक है स्पेलिंग पे ध्यान दो आपको साफ साफ स्पेलिंग लिख के दे रहे हैं ना ऑक्सी लगाना है ओ एक्स वाई ऐसे छोटी छोटी बातें ठीक चलो बोलो छोटे वाले के साथ क्या जोड़ना है ऑक्सीजन जोड़ना है तो देखो ये बहुत बड़ी लंबी चेन हो गई उसको छोड़ दो छोटे वाले के साथ इधर देखो ये पार्ट बड़ा है ये पार्ट छोटा है ऑक्सीजन से एक तरफ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको सोच लो तो ये सब छोटा पार्ट है तो उसमें लगाएंगे ऑक्सी तो दो कार्बन का है ऑक्सी तो हो जाएगा थॉक्सी अब ये ये हो गया इसके बाद एक चीज तो और सोचो ये बड़ी लंबी चेन है ये मुख्य चेन हो गया मुख्य चेन में देखो कि ये वाली कार्बन भी शामिल होनी चाहिए और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन दोनों शामिल होना चाहिए ऐसा सोचो बाकी आपको जो भी करना है लंबी चेन ढूंढो उसके बाद तो एक दो तीन चार पांच छह या इधर भी करो तो तो ये मुख्य चेन हो गया साइड चेन हो गया इसे भी साइड चेन की तरह देखेंगे प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी बोलते हैं हो गया अब बताओ क्या हुआ नंबरिंग करके देखो बेटा किधर से करोगे ये जिधर से नजदीक पड़े ये कि डबल बॉन्ड इसका सिस्टम होता है कि इथर और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ज्यादा क्या देते है? वरीता देते हैं इसके तुलना में इसको तो ये जद्दी नजदीक पड़े ज्यादा नजदीक पड़े तो डबल बॉन्ड यहां पे है तो इधर से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो फाइव देखो अब इसका नाम क्या होगा फाइव इसका क्या नाम होगा फोर इथॉक्सी और इसका नाम क्या होगा मेन चेन का नाम होगा तो चलो लिखो चलो लिख दे अब मेन चेन का जो नाम लिखा जाता है वही लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे इसमें तो मैं पूरी बातों को एक साथ बोलता इसका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है इसका नाम ई e से शुरू हो तो अल्फाबेटिकली पहले अरेंज कर लो ठीक है तो कौन आएगा पहले ई e. तो नाम हो जाएगा फोर इथाइल और इसके लिए क्या हो जाएगा फाइव मिथाइल और ये मेन चेन है भाई साहब ये पूरा मेन चेन है मेन चेन में कितने कार्बन कार्बन छः को बोलते हैं हेक्स डबल बॉन्ड ड़ है डबल बॉन्ड टू पर है डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन टू पर है ई एन ई ये लीजिए पूरा नाम क्लियर हो गया अब सवाल यह है कि हम इस पे बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत मेहनत कर सकते हैं और जितनी मेहनत करना चाहे कर सकते हैं पर उसके लिए हमें पहले वाले क्लास से दूसरे वाले क्लास में आना पड़ेगा पहले वाले पार्ट से दूसरे वाले पार्ट में आना पड़ेगा दोनों पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले आप इस नंबर पर कॉल करिए ताकि अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए क्योंकि हमारा क्लास आपके लिए बहुत बेहतर बेनिफिट देगा तो आज की बात यही पे समाप्त करते हैं नमस्कार धन्यवाद थैंक यू और हमारा एक बात बोलना भूल गया हमारा विद्याकुल ऐप है वहाँ पर जाकर के हमारी क्लासेस ज़रूर देखिए थैंक यू